पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, दोनों तरफ का मामला आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई था और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज कोर्ट में गई थी, वहीं पवन सिंह आज कोर्ट में नहीं गए थे। और आज पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मीडिया में बहुत सारी बातें बोली हैं पवन सिंह को लेकर, जो कि आप लोग वीडियो जरूर देखे होंगे, यानी इंटरव्यू जरूर आप लोग देखे होंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कहना यह है कि कई बार से पवन सिंह कोर्ट नहीं आ रहे हैं और पवन सिंह की पत्नी पैसे का मांग कर रही है, और इनका यह भी कहना है कि ये सब मामला जल्द खत्म हो जाता तो मैं पढ़ाई करती, कोई बड़ा पढ़ाई करने वाली है, शायद SDM बनने का मन होगा। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का यह भी कहना है कि ये सब मामला अगर जल्द नहीं खत्म होगा तो मैं योगी जी के पास जाऊंगी और मोदी जी के पास भी जाऊंगी। और ज्योति सिंह के वकील का भी कहना है कि पवन सिंह कई बार से कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, शायद डर रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन पवन सिंह के वकील का कहना यह है कि अभी पवन सिंह का कोर्ट में कोई काम नहीं है, ज्योति सिंह अपना इस समय एविडेंस दे रही है, यानी साबूत प्रूफ ये सब दे रही है, कोर्ट में जमा कर रही है, फिर इसके बाद पवन सिंह अपना एविडेंस कोर्ट में देने वाले हैं। और जब कोर्ट द्वारा पवन सिंह को एविडेंस देने के लिए बुलाया जाएगा तब पवन सिंह कोर्ट में जाएंगे, और फिलहाल में पवन सिंह को कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जानकारी पवन सिंह के वकील दिए हैं। और हमको भी लग रहा है कि पवन सिंह इसीलिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, अगर पवन सिंह डर के भागते या छिपते तो पवन सिंह उल्टा खुद फंस जाएंगे और इस तरह से खुलियाम और बिंदास फिल्म का शूटिंग नहीं करेंगे, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। बाकी अगली सुनवाई 19 सितंबर को है, जैसा अपडेट आएगा वैसा अपडेट आप सभी को दिया जाएगा। और न्यायालय सबके लिए बराबर होता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, देखिए फैसला क्या होता है लास्ट में। हाँ तो दोस्तों, ये अपडेट था, आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।